ओके फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हम इसके कनेक्शन कर लेंगे एलईडी के, सारे एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट को पॉजिटिव पॉइंट में और नेगेटिव पॉइंट को नेगेटिव पॉइंट में जोड़ लेंगे और उसे अच्छे तरीके से सोल्डर कर लेंगे। देखिए मैंने ये कर लिया है। ओके, इसके बाद हम अपनी मोटर को रब कर लेंगे जिससे कि अच्छी तरीके से हमारी स्ट्रिपर चिपक जाना चाहिए। ये देखिए मैंने इसका अच्छी तरीके से कर लिया है। अच्छी तरीके से हमें इसे घिसना है। अब हम मेरी स्ट्रिप को भी हम सेंटर पर अच्छी तरीके से रब कर लेंगे और अब हम इसको इस पर चिपका देंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको चिपका दिया है। अब हम मोटर के पॉजिटिव वायर को एलईडी के पॉजिटिव वायरों के साथ और नेगेटिव वायर को नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा। ओके, रेड वायर को हमने एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ और ब्लैक वायर को एलईडी के नेगेटिव पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। हमारे कनेक्शन अब लगभग रेडी है। अब हम अपनी मोटर को इस पाइप में अच्छी तरीके से फिट कर लेंगे और जो हमारे मोटर के वायर है हम पाइप की दूसरी साइड से बाहर निकाल लेंगे। अब हमारी स्ट्रिप को मोटर पर जोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने मोटर पर रिफिल लगाई हुई है। आप भी पेन की रिफिल या और कुछ भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा रोटरी लाइट तैयार हो गया है। ये इसके कनेक्शन से अब हम इसको 9 वोल्ट की बैटरी से पावर देंगे। ओके, अब हमारा लाइट स्टार्ट हो चुका है और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बहुत सारे डेकोरेटिव आइडियाज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि भगवान के पीछे और बहुत सारी जगह। ओके, यदि आपकी लाइट ना जले तो आप उसको मोटर को दूसरी दिशा में घुमा कर देखिए तो आपके लाइट जो है वो चालू हो जाएंगे। ओके, यदि आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यदि आपके पास 9 वोल्ट की बैटरी नहीं है तो आप मोबाइल की बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं।